हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एनर्जी बैरियर ग्राफ। तो एनर्जी बैरियर ग्राफ की मदद से हम लोग आज देखेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और आइसोथर्मिक रिएक्शन क्या है, आइसोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। तो इस रिएक्शन को देखने से पहले मुझे ग्राफ जानना जरूरी है। तो ग्राफ में कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद इंडोथर्मिक रिएक्शन और टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह से एक्सोथर्मिक रिएक्शन सारे टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उस टर्मिनोलॉजी को क्या होता है। वो टर्मिनोलॉजी मान लो कोई एक रिएक्शन होगा, ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से क्या होगा कोई बी रिएक्शन हो रहा है। देखिए इसका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि ए के पास अपनी कुछ इंटरनल एनर्जी रही होगी और ए जो है रिएक्शन हो चुका है, इसका मतलब कि ये अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर चुका है। मान लो इसका क्या है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, यहां से यहां की जो एनर्जी लेवल होगी ए से बी बनने के लिए, वो एनर्जी कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। मतलब रिएक्शन हुआ यहां से यहां तक पहुंचा। अब बात आती है कि रिएक्शन नीचे की तरफ क्यों आएगा, ये रिएक्शन जो एनर्जी लेवल जो नीचे की तरफ क्यों आएगा, इसका रीजन ये है कि जो एनर्जी लेवल होता है वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है। यहाँ पे प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होता, जब भी कोई भी प्रोडक्ट बनता है वो ज्यादा स्टेबल होना कोशिश करेगा, तो अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी इसको चाहिए, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी चाहिए इसलिए अपने एनर्जी लेवल को ये डाउन करके यहाँ पे पहुंच जाएगा बी पे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां की जो एनर्जी लेवल थी वो कहलाएगी इंटरनल एनर्जी, क्या कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां से यहां की जो एनर्जी कहलाएगी, ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक जो लेवल ऑफ एनर्जी है इसी पे ए जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बी पे पहुंचने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तब यहां एनर्जी को क्रॉस करेगा, तब जाके वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेगा आगे, क्योंकि एनर्जी अब यहां तक पहुंचेगा तब रिएक्शन होगा, जब रिएक्शन होगा तो एनर्जी डाउन होगा क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए इसको, इसलिए स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी की वजह से क्या होगा रिएक्शन डाउन होकर यहां पर बन जाएगा। ठीक है, और हर मॉलिक्यूल चाहे स्टेबल होना चाहता है इसलिए अपनी एनर्जी को डाउन करेगा। इतनी बात समझ में, ए से बी तक ना। ठीक, अब बात करते हैं ये प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल है, ये क्या है प्रोडक्ट है एनर्जी लेवल, प्रोडक्ट की एनर्जी, या इसको इस तरह से बोलते हैं इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट या इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट एच ए। ठीक है, अब बात करते हैं जो एच ए है ना, एच ए के पास जो मॉलिक्यूल के पास अपनी जो एनर्जी थी उससे जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी इसको दिया गया, प्रोवाइड किया गया है, कहां जाने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने के लिए। फिर से ये बात, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड किया गया है इंटरनल एनर्जी से थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए, वह एनर्जी कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो क्या है, ये इंटरनल एनर्जी जो मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी कहलाएगी, जहां पे रिएक्शन होगा जिस एनर्जी लेवल पे वह एनर्जी लेवल कहलाया थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक्स्ट्रा एनर्जी जो मॉलिक्यूल को प्रोवाइड किया गया थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए वह कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ गई। अब समझते हैं इसी सारे टर्मोलॉजी को इंडोथर्मिक रिएक्शन में देखते हैं। एनर्जी लेवल तो यही होगा, ग्राफ तो यही होगा, लेकिन अब इसको देखते हैं एनर्जी लेवल फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या है इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि देख क्या रहे हैं कि जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल है और प्रोडक्ट का जो एनर्जी लेवल है, इन दोनों की एनर्जी लेवल में कुछ ना कुछ गैप है, क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ये है और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ये है, इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट। तो ऐसा रिएक्शन जब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल मतलब कि एंथैल्पी अगर ज्यादा होगा रिएक्टेंट की एंथैल्पी से, तो कहेंगे कि यह रिएक्शन जो है इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। इंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि एचपी इज ग्रेटर देन, है ना, एचपी इज ग्रेटर देन
एच प्रोडक्ट का रिएक्टेंट, मतलब ये कहने का प्रोडक्ट की एनर्जी लेवल मतलब क्या है, एच बी इज ग्रेटर देन एच ए, क्लियर। इसलिए कह सकते हैं कि एच बी माइनस एच ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि डेल एच क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि इंथैल्पी जब होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। एक के लिए समझते हैं, देखो क्या है कि जब ये रिएक्शन यहां से शुरू होगी, रिएक्शन यहां पे कंप्लीट हुआ, तो ये रिएक्शन जो है ना फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इंथैल्पी है, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ईए से बोलते हैं। सॉरी, जब रिएक्शन यहां से शुरू होकर यहां तक गया है, इसका मतलब कि ये से यहां तक की एनर्जी गैप है, तो ये रिएक्शन जो है तुम्हारा देख क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन दिख रहा है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए है, ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मान लिया, ठीक है। उसी तरीके से हम बैकवर्ड रिएक्शन अगर होता है, बैकवर्ड रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, बी से ए बन रहा है, मतलब ये कि ए से बी बनेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, इसका हम एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई एफ, ठीक है। हो सकता है कि बी से ए बने, बी से ए बने, तो बी से ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी तो काफी कम हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी काफी कम हो गया, इसका मतलब कि इसके लिए बी से ए के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हम ई बी से दिखाते हैं, ठीक है। किस दिखाते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ई बी से दिखाते हैं। अब देखो क्या है, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है उसका एक्टिवेशन एनर्जी ये है, बैकवर्ड रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ये है, इसका मतलब ये इन दोनों का जो गैप देखा जाए तो एनर्जी लेवल यही दिखा है, ये माइनस ये, मतलब कि इंथैल्पी चेंज या हम इंडोथर्मिक रिएक्शन में इंथैल्पी चेंज कितना होगा, तो हम क्या उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके एक्टिवेशन एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करके भी हम इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं, या हम दूसरे तरीके से प्रोडक्ट का इंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का इंथैल्पी, रिएक्टेंट की इंथैल्पी अगर ज्यादा हुआ तो बोलेंगे, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो कहेंगे ये रिएक्शन क्या क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये तुम्हारा क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का प्रोसेस, फिर से समझ लेते हैं एक्चुअली में किया है क्या है। सबसे पहले तो क्या समझाया, इंटर समझाया कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ये समझाया, उसके बाद ये थ्रेशोल्ड एनर्जी इसके बारे में समझाया, जो इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो एनर्जी लेवल होता है वो क्या कहता है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्या बताया कि इंडोथर्मिक रिएक्शन में जो है प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, इसलिए प्रोडक्ट ग्रेटर देन रिएक्टेंट किया गया, तो प्रोडक्ट मतलब कि एच बी का जो इंथैल्पी है माइनस एच ए का इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो, इसलिए इंथैल्पी ग्रेटर देन जीरो होगा। इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इंथैल्पी चेंज क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। बस इसी चीज को दूसरे तरीके से भी समझा गया, हम देखा पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ई एफ है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई बी है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया, ये माइनस ये मिल गया, इसका मतलब ये कि इंथैल्पी चेंज जो है डेल एच जो है ई एफ माइनस ई आई बी बोल सकते हैं, ये तुम्हारा इंथैल्पी चेंज है, कितना इंथैल्पी चेंज होगा इंडोथर्मिक रिएक्शन में। तो इंथैल्पी चेंज हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर लीजिए। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, थर्मिक रिएक्शन, एक्सो थर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझना बड़ा आसान हो गया, देखिए ये प्रोग्रेस, ये एनर्जी लेवल, इसका मतलब पहले इंथैल्पी ए का पहले ज्यादा होगा, मान लो कि इंथैल्पी ए का क्या है 50 है और बी का इंथैल्पी क्या होगा 40 है, इसका बी का इंथैल्पी 40 है, इसका मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट का जो एनर्जी लेवल था उससे भी प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम हो गया, इसका मान लो कि इंथैल्पी लेवल एनर्जी लेवल ए का यहाँ था, इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल और कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो
ठीक है, मैं ए से यहाँ पे बी बना होगा। इसका मतलब ये कहने का कि अगर हम देखा जाए यहाँ पे तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल क्या है, कम है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, नहीं इसलिए बोल सकते हैं कि एच बी का जो एनर्जी लेवल है वो लेस देन क्या होगा एच ए, या एच बी माइनस एच ए इज लेस देन जीरो, मतलब कि डेल एच क्या होगा लेस देन जीरो। ये किसके लिए, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ए से बी बनने के लिए। ये तुम्हारा क्या है ई एफ, ई एफ का यानी का मतलब क्या है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, ई एफ मतलब क्या ए से बी बना, तो ई एफ का है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। अब बी से ए बनना, बी से ए बनना, तो बी से ए बनने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा ये होगा ई बी, ठीक है, तो ई बी, तो ई बी, ई बी इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, क्या बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये, जबकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या है एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ये। तो हम दोनों का करते हैं क्या फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड ना, फॉरवर्ड माइनस चेंज इन थेरेपी मतलब क्या फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, फॉरवर्ड का क्या कम है बैकवर्ड का ज्यादा है, इसलिए डेल एच क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक चीज बड़ा ऑब्जर्व करने वाली बात यहां पे ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है किसी भी रिएक्शन के लिए हाँ, तो उसका जो रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है जिसका, वो रेट उसका क्या होता है फास्ट होता है, मतलब कि कम एनर्जी लेवल पे रिएक्शन क्या होगा हो जाएगा। इसका मतलब क्या, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है वो रिएक्शन फास्ट होता है। इतनी बात समझ में। अब बात करेंगे एक्सोथर्मिक हो गया, अब बात करते हैं आइसोथर्मिक रिएक्शन। तो आइसोथर्मिक को समझते हैं, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस एनर्जी लेवल, ये ए का है, बी का है, मतलब कि ए और बी का एनर्जी लेवल क्या होगा बिल्कुल इक्वल होगा, मतलब एच ए का एंथैल्पी और एच बी का एंथैल्पी दोनों एंथैल्पी क्या होगा इक्वल होगा, मतलब एच ए बराबर एच बी, इसका मतलब क्या एच ए माइनस एच बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब चेंज इन एंथैल्पी, मतलब कि चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा जीरो, अगर चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा जीरो, इसका मतलब क्या होगा आइसोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय आरहेनियस इक्वेशन बाय, हाँ अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बाय आरहेनियस, बाई आरहेनियस एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन गिवन है ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में इसके डेरिवेशन को जानने की जरूरत नहीं है। तो जानना क्या है इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे जो इक्वेशन है क्या k इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसका मतलब ये कि k क्या, के यहाँ पे क्या दिखा रहा है, के क्या है, के रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, और ए क्या है आरहेनियस कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी कौन, ठीक है। अब ई ए क्या है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, और टी क्या है, ध्यान रखना टी टेम्परेचर इन केल्विन, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर इन केल्विन। अब आर है मोलल गैस कॉन्स्टेंट, तो ध्यान रखना मोलल गैस कॉन्स्टेंट में 8.314 ग्राम पर मोल पर केल्विन, 8.314 ग्राम पर मोल पर केल्विन। उसके बाद याद रखना 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ठीक है, ये आर का वैल्यू। अब बात करते हैं ये जो ई टू दी पावर माइनस ई ए बाई आर टी ये क्या दिखाता, तो ये दिखाता, लिखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन
थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब क्या, कुछ मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल 20 मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो मॉलिक्यूल क्या करेगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस करें या उसके इक्वल में होगा वह एनर्जी लेवल, ये दिखाता है e^-EA/RT। मॉलिक्यूल्स तो बहुत होंगे बट कितने मॉलिक्यूल्स थ्रेशोल्ड एनर्जी के पास पहुंच पा रहे हैं या उस एनर्जी को क्रॉस कर पा रहे हैं वो दिखा रहा है e^-EA/RT। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये फॉर्मूला जो है इसी तरह से यूज करेंगे, नहीं फॉर्मूला इस तरह से जरा यूज करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आएगा इसको तो इस्तेमाल करने में, तो इसलिए e^-500, 700 इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करना मेरे बस की बात अभी नहीं है, तो उसके लिए मुझे कुछ इस इक्वेशन को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसको यूज करने के लिए हमको कुछ लॉग का प्रॉपर्टीज लगाकर इसको सॉल्व करके इस जो आएंगे इजी वे में दिखाने के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है इसको कैसे इसको हम इजी कर सकते हैं देखते हैं। जब भी e^something हो तो वहां पे एटलीस्ट वन टाइम्स जरूर इस पे सोचेंगे कि यहाँ पे ln लगा सकते, दोनों तरफ ln लगा देते, दोनों तरफ ln लगाते ये ln k हो जाएगा, ये क्या होगा ln लगाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा a e^-EA/RT। अब देख क्या रहे हैं, जैसा हम लोग जानते हैं कि ln की प्रॉपर्टी होती है, ln की प्रॉपर्टी है ln a into ln b की जो प्रॉपर्टी होता है ln a + ln b होती है, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करेंगे यहां पे ln k = ln a + ln e^-EA/RT। अब जानते हैं ln की प्रॉपर्टी, फिर से जानते हैं ln a^x है तो क्या होगा, ये क्या आता है ये कॉफिशियंट में आया था x * ln a के बराबर होता है, इसलिए ln k का जो वैल्यू है ln a + की जगह पे होगा माइनस, ये क्या होगा कॉफिशियंट में आ जाएगा इस प्रॉपर्टी से, क्या होगा ये कॉफिशियंट में आ रहा था, कॉफिशियंट में इसका भी क्या होगा पावर क्या होगा कॉफिशियंट, इसका भी पावर क्या है कॉफिशियंट में है, मतलब e^-RT और ln e था, ln e का मतलब हुआ है क्या कि इसका जो बेस है e है, ठीक है, तो इस क्या हुआ ये 1 के बराबर होगा। अब बात करते हैं ln को कन्वर्ट करना है लॉग में, जैसे ln को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे, तो ln कन्वर्ट हो जाएगा किसमें लॉग के में, यहाँ पे 2.303 है ना, क्या होगा log a - EA/RT, अब दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड करते हैं, यहां से log k का log k हो जाएगा, यहाँ पे log a - EA/2.303 RT, तो फाइनल जो फॉर्मूला आया अपना, हाँ log k - EA/2.303 RT + log a। इस फॉर्मूला में सबसे बड़ी चीज याद रखना क्या कि यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, तो एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन में हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि टेम्परेचर जो है डिपेंडेंट है एक्टिवेशन एनर्जी पे या टेम्परेचर डिपेंडेंट है रेट कांस्टेंट पे, यहाँ पे टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है कौन कौन इंडिपेंडेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से, ये आरहेनियस कॉन्स्टेंट ए है जो यहाँ पे गिवन था, है ना, ए जो है आरहेनियस कॉन्स्टेंट, ये भी क्या है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से, और आर आर मोलल गैस कांस्टेंट ये भी क्या है इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से, मतलब क्या है कि कह सकते हैं ई ए एंड टी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, जो कि क्या है ये इक्वेशन क्या दिख रहा है आपके को, क्या दिख रहा है इक्वेशन दिख रहा है क्या, हाँ log k = -EA/2.303 RT + log a, तो यहां पे क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये घटना चाहिए, क्यों
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट माइनस साइन क्या करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट घटने की जगह पे क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, ये माइनस साइन इसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा, अपोजिट कर देगा। मतलब क्या है कि रेट कांस्टेंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है। इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लो कि क्या पूरा वाई है, ठीक है, माइनस ई ए बाय 2.303 है ना, आर को मान लिया कोई कांस्टेंट है और 1/t को मान लिया x, प्लस log a, log a इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 1/t को क्या मान लिया, x मान लिया, क्या मान लिया x, इधर x है, x का मतलब क्या 1/t है, y का मतलब क्या है log k, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं कि ये क्या है, निगेटिव साइन, स्लोप का निगेटिव है। स्लोप निगेटिव कहने का मतलब क्या होगा, जब भी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, अगर स्लोप निगेटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, मतलब कि ये धीरे धीरे घटता जाएगा। इसका स्लोप कितना, कॉन्स्टेंट कितना है a, तो c यहाँ पे दिखाते हैं, इसलिए ये तुम्हारा log a इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये स्लोप यहाँ पे इसका क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, ये वाला माइनस ई ए बाई 2.303 आर। कभी कभी स्लोप पूछ देगा, इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस लॉग ए, लॉग ए, ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट 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 टेम्परेचर पे डिफरेंट डिफरेंट रेट कॉन्स्टेंट होगा। हो सकता है कि एक टेम्परेचर गिवेन हो, रेट कॉन्स्टेंट गिवेन हो, दूसरे टेम्परेचर पे, दूसरे टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट पूछ दे, वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के वन एंड के टू एट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू, टू डिफरेंट टेम्परेचर पे दो अलग अलग रेट कांस्टेंट गिवन होगा। जबकि हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और जो एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं log k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी वन प्लस log a। उसी तरह से log k2 is equal to minus ea by 2.303 rt2 plus log a। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे सबट्रैक्ट कर देते क्या होगा, ये log k1 minus log k2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस ea by 2.303 rt1 माइनस साइन ई ए बाई 2.303 आर टी टू। अब देखो यहां, ठीक है, तो माइनस ई ए बाई लॉग क्या है, लॉग के वन माइनस लॉग के टू इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर, बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन लेते दोनों में, तो 1/ t1 माइनस 1/t2 आएगा, ठीक है, 1/t1 माइनस k2। जैसे हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी होता है, log k1 माइनस log k2 का प्रॉपर्टी होगा है log k1 by k2। इसको लिख सकते हैं क्या, log k1 माइनस k2, log k1 by k2 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ea by 2.303 r 1/t1 माइनस 1/t2। मतलब ये फॉर्मूला डिफरेंट, ये डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए रेट कांस्टेंट, बस ध्यान रखना ये T2 माइनस T1 नहीं करना, K1 बाय K2 है, इसलिए T1 माइनस T2 होना चाहिए इसको। इसका मतलब रेट कांस्टेंट निकालने का, अगर सिंपल सा एक टेम्परेचर गिवन है, फॉर्मूला log k इज इक्वल टू माइनस ea बाय 2.303 rt प्लस log a कर सकते हैं, या हम log K1 बाय K2 इज इक्वल टू माइनस ea बाय 2.303 r 1/t1 minus 1/t2 कर सकते।